अच्छा, मेरे द्वारा बनाए गए वीडियो के बाद तुम्हारे विद्यालय में कोई बदलाव आया? हाँ। क्या बदलाव आया? दीदी पढ़ाने के लिए आया। क्या तुम लोग इससे खुश हो? हाँ, खुश है। जो पहले दिक्कत आता था वो कम। कुछ दिनों पूर्व में देवघर जिला अंतर्गत प्राथमिक विद्यालय हरिजन कॉलोनी मधुपुर पर एक वीडियो शूट किया था, जहां गत 2 सालों से 125 गरीब दलित बच्चों का भविष्य अंधकार में दिख रहा था, क्योंकि इनके पठन पाठन से विद्यालय के तमाम प्रशासनिक कार्यों का दायित्व निर्वहन हेतु एकमात्र शिक्षक सुरेश चंद्र मेरा के कंधों पर था, जिससे बच्चों को समुचित ज्ञान नहीं मिल पा रहा था। तुम्हारे स्कूल में कितने शिक्षक हैं? एक। तो क्या तुम लोग वो सही से पढ़ा पाते हैं? जी नहीं। तो शिक्षक की कमी से तुम लोग को क्या क्या समस्याओं का सामना करना पड़ता है? मास्टर कभी स्कूल चला जाता, कभी वहाँ पर जाता, हम लोग ठीक से पढ़ पाते हैं। एक शिक्षक रहने के चलते जितना उसको बच्चे को ज्ञान देना चाहिए उतना मैं नहीं दे पाता, इसलिए कि जब दूसरे क्लास में जाता हूँ तो तब तक दूसरा क्लास वाला हल्ला करना शुरू कर देता है। दूसरे क्लास में जाता हूँ हमको चारों बगल दौड़ना पड़ जाता है, हम दौड़ते दौड़ते रह जाते हैं। तो वो लोग सिर्फ आपको आश्वासन दे के छोड़ दे रहे हैं? जी, इसलिए कि यहाँ जो है टोटल जितने बच्चे 112 हैं, जिसमें कि 95% हरिजन दलित वर्ग के ही बच्चे हैं। मैंने उक्त वीडियो को संबंधित प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी को दिखाते हुए इस संबंध में उनका एक इंटरव्यू भी किया। हाँ, आपने एक स्कूल के संबंध में बताया था कि वहाँ शिक्षक की कमी है, तो वहाँ पर एक शिक्षिका का प्रतिनियोजन कर दिया गया है। फलस्वरूप मेरे इस कार्य की वजह से कुछ ही दिनों बाद पूरे जिलों में शिक्षक की कमी रहने के बावजूद भी वो कम से कम एक शिक्षक को देने को मजबूर हुए, जिससे वहाँ के बच्चों व ग्रामीणों में हर्ष है। हम लोग तो बहुत बार प्रयास किए थे, ग्रामीण भी प्रयास किया था, लेकिन बदलाव नहीं आ रहा था। आपके प्रयास से जब बच्चों द्वारा इंटरव्यू लेने के बाद बदलाव आया है, प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी मधुपुर के द्वारा एक शिक्षिका को यहाँ भेजा गया। मेरे द्वारा बनाए गए वीडियो के बाद आपके स्कूल में कोई बदलाव आया? बदलाव आया है, एक टीचर आया है और वो हम लोग को अच्छा पढ़ाता है। क्या तुम लोग इससे खुश हो? हाँ, बहुत खुश है। हाँ सर, बहुत बदलाव आए। हम लोग साल भर में बोल के रखे थे तो कोई सुनाई नहीं हुआ, आप जो दीदी है तो बहुत बदलाव आया। एक तो टीचर आया है, अच्छा से पढ़ाई कर रहे, हम लोग खुश हैं। प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी के द्वारा मुझे यहाँ पर प्रतिनिधित्व किया गया। मैं दिनांक 19 अक्टूबर को यहाँ पर मैं अपना योगदान दी। यहाँ आने के बाद मुझे मालूम हुआ कि यहाँ बहुत दिनों से एक शिक्षक विद्यालय चला रहे थे। मुझे भी इस पर बहुत खुशी है कि मैं यहाँ आने के बाद इस विद्यालय का सेवा कर सकूँ। हालांकि भारत में शिक्षा के अधिकार के तहत बच्चों और शिक्षक की औसत 30:1 है, जिसके अनुसार 112 बच्चों पर 4 शिक्षकों की आवश्यकता है। इसलिए मेरा यह प्रयास तब तक जारी रहेगा जब तक इस विद्यालय में 4 शिक्षक नहीं आ जाते। मैं मुकेश सजग, झारखंड के देवघर जिला का इंडियन हट के लिए।